अमेरिका ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की चेतावनी दी है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के 3 हफ्ते बाद अमेरिका का ऐलान है जंग। अपनी तो हर कोनी पे तेरा ही नाम लिखा है, अब ना चूकेगा निशाना, हमने ये ठान लिया है, झुकना हमको नहीं आता, ना करते हैं गद्दारी, रख देंगे भूख के तुझको, कर ली हमने तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ मिलकर हमला करेगा अमेरिका। अपनी फितरत है जुनूनी, सिद्धी है सिद्ध का नशा है, तेरी औकात है कितनी, ये तो बस हमको पता है, तूने जो खेल है खेला, इसमें तू ही हारेगा, हमको तू काट समझ के, कब तक बदर। पूरा समूचा विश्व आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है, लेकिन वही पाकिस्तान है कि मानता नहीं। ना पाकिस्तान बचेगा, ना चीन बचा पाएगा। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आइसोलेशन तो बहुत हो गया, अभी इंसुलेशन का जरूरत है। आतंक की जन्नत को जलाएगा अमेरिका। ऑपरेशन पाक साफ, इसीलिए तो कह रहे हैं ऑपरेशन पाक साफ। आतंकवाद के खिलाफ एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब बारी है ऑपरेशन पाक साफ की। इस ऑपरेशन में एक तरफ भारत है और अमेरिका हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन। पाकिस्तान की सरजमी पर ऐसे ऑपरेशन के संकेत अमेरिका के उस ऐलान से मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर आतंक का अंत करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 29 सितंबर को भारत ने आतंकवाद मिटाने का जो बड़ा अभियान छेड़ा, उसे अब अमेरिका अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। अपनी फितरत है जुनूनी, सिद्धि है सिद्ध का नशा है, तेरी औकात है कितनी, ये तो बस हमको पता है। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत का समर्थन करने वाले अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है, अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर अपना रवैया नहीं बदला तो अमेरिका खुद पाकिस्तान में घुसकर सभी आतंकी संगठनों का सफाया कर सकता है। शनिवार को वाशिंगटन में कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के टेररिज्म और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के उप मंत्री एडम जुबिन ने कहा, अमेरिका लगातार पाकिस्तान की सरकार से कहता आ रहा है कि पाक में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन अगर पाकिस्तान में सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो अमेरिका खुद उन्हें खत्म करने से गुरेज नहीं करेगा। हम सीमा पर भी सफल हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया जाए, आतंकवादी मुल्क को ऐसे कैसे घोषित किया जाए, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आतंकवाद का दंश जन देशों ने झेला है वो आतंकवाद को समझ सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि अगर भारत की संप्रभुता पर कहीं कोई हमला करेगा तो भारत को जवाब देने का अधिकार है, तो ये पहले से ही स्पष्टता थी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान की सरकार, सेना, आतंकी संगठन और आईएसआई की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम लेकर उसे आतंकवाद की मददगार एजेंसी बताया। पाकिस्तान में मौजूद कई ताकतें, खासकर आईएसआई, नहीं चाहती कि पाकिस्तान के सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जबकि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में पाकिस्तान की पूरी मदद करने को तैयार है। फॉरवर्ड मूवमेंट है। देखिए, ये जो हमने जुमलाबाजी बहुत सुना है, अभी ये ना हो कि यूएस अपना जुमला चला रहे हैं, करकट दिखाए ना बात। आइसोलेशन तो बहुत हो गया, अभी
इंसुलेशन का जरूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका मामलों के जानकारों का मानना है कि अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ नवाज सरकार को एक्शन लेने की सलाह देते देते आजिज आ चुका है, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि उसके कहने के बाद भी पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उनकी मदद कर रहा है। इसलिए इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान को सलाह नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का अंत करने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान को इस चेतावनी से इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि 2 मई 2011 को अमेरिका ने बिना सूचना दिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की इस चेतावनी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है कि हकानी ग्रुप को खत्म किया जाए। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर कर सकता है। अगर उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो तो हिंदुस्तान की टोटली गलत फहमी होगी कि अमेरिका उनको किसी प्रकार से सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ऑपरेशंस। पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं। तीनों के तीनों अनप्रिडिक्टेबल हैं, दो रोग स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट। तो ये नहीं चाहता कि इनका गठबंधन हो जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने हालिया मौकों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अब तक अमेरिका का रुख भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त चीन भी ये मान चुका है कि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री इन इंडियाज नेबरहुड टेररिज्म हैज बिकम इट्स फेवरेट चाइल्ड। भारत पाकिस्तान में आतंकवाद का अंत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका की चेतावनी हकीकत में बदल गई तो फिर आतंक की जन्नत को चलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। रूफी जैदी और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने के मामले में अमेरिका एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी हो चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने की शुरुआत आज से 13 साल पहले की थी। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों का सफाया कर चुका है। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने मार गिराया। लेकिन लादेन की मौत पाकिस्तान में अमेरिका की पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी साल 2003 में, जब अमेरिका ने 9/11 के गुनहगार आतंकी खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान के रावलपिंडी से पकड़ा था। साल 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे तालिबानी नेता आतंकी मुल्ला मंसूर को ड्रोन अटैक कर मार गिराया। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क से लेकर हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे खतरनाक आतंकी पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI के संरक्षण में खुलेआम आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ही है जो हर प्रकार की ये कार्रवाई करता है, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वास्तव में उसके स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ को वो इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के खिलाफ, जिनको वो बोलता है गुड टेररिस्ट, क्योंकि उसके इशारे के ऊपर ये इस माफी की गतिविधियाँ करते हैं। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में पेशावर के ऊपर हमला किया, मॉस्क के ऊपर हमला कर रहा है, शियाज के ऊपर हमला कर रहा है, उनके स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, उसको बोलता है बैड टेररिज्म। पाकिस्तान में 48 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। साल 1990 से लेकर 2014 के बीच पाकिस्तान में कश्मीर के 4,587 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी गई। POK से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकियों का जमावड़ा ना हो। तहरीक तालिबान, जिसका हेडक्वार्टर साउथ वजीरिस्तान में है, लेकिन इसका नेटवर्क पाकिस्तान के सभी राज्यों में है। सिपाह सहाबा पाकिस्तान का एक और आतंकी संगठन
जिसका नेटवर्क सरगोधा, बहावलपुर, झांग, मुल्तान तक फैला है। लश्कर ए झांग भी इसका नेटवर्क शेखपुरा और कबरीवाल तक है। हरकतुल मुजाहिदीन इसका नेटवर्क पूरे सिंध प्रांत में फैला है। हिजबुल मुजाहिदीन इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है और नेटवर्क पूरे पीओके में है। लश्कर ए तैयबा इसका हेडक्वार्टर लाहौर के पास मुरीद के में है और नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। हरकर उल अंसार हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है और नेटवर्क पीओके के ज्यादातर हिस्सों में है। तहरीक उल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद और नेटवर्क पीओके के ज्यादातर हिस्सों में। ये सिर्फ कुछ बड़े नाम हैं, कई छोटे छोटे संगठन फैले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा है। इन सभी आतंकी संगठनों का सफाया होने के बाद ही पाकिस्तान को आतंक मुक्त किया जा सकेगा। रूफी जैदी और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो एक तरफ तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में नवाज सरकार घरेलू मुसीबतों से घिरी हुई है। हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ आतंकियों की मदद करते आ रहे थे, वहीं आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकियों से मदद मांग रहे हैं। आतंकी को शहीद बताने वाले नवाज शरीफ की सरकार कैसे आतंकियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कुर्सी खतरे में आए तो नवाज आतंकियों की शरण में जाए। इन्हें तो पहचानते होंगे आप, ये पाकिस्तान की नवाज सरकार में गृहमंत्री हैं, नाम है निसार अली खान। इस सोफे पर पाकिस्तान के गृहमंत्री के दाहिनी तरफ जो शख्स बैठा है उसे आतंकी संगठन तालिबान का गॉडफादर कहा जाता है। इसका नाम है मौलाना समीउल हक। समीउल हक के अलावा इन तस्वीरों में दिख रहा हर शख्स खुद में आतंकवाद का पावर हाउस है। ये लोग दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के सदस्य हैं। दिफाए पाकिस्तान कहने को धार्मिक संगठन है लेकिन हकीकत में ये संगठन धर्म की आड़ में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। इस संगठन में पाकिस्तान के सभी बड़े आतंकी संगठनों के सदस्य हैं और इनसे मिलने के पीछे पाकिस्तान के गृहमंत्री का मकसद नवाज सरकार को बचाना है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI के इशारे पर वंस अगेन इमरान खान कह रहा है कि 2 नवंबर को वो घेराव करेगा, सब कुछ बंद करेगा। तो नवाज शरीफ अनफॉर्चुनेटली अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आतंकवादियों का सहारा ले रहे हैं कि इस खतरे को फेंड ऑफ करें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना, विपक्ष, जनता और आतंकियों के चौतरफा हमले से घिरे नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। नवाज के धुर विरोधी इमरान खान ने नवाज सरकार के खिलाफ 2 नवंबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इमरान ने 2 नवंबर को पाकिस्तान बंद बुलाया है। नवाज सरकार चाहती है कि इमरान के विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का साथ ना मिले। इसी कोशिश में पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली खान ने समीउल हक आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना मौलाना फजलुर रहमान खलीली, आतंकी मोहम्मद अहमद लुधियानवी जैसे आतंकियों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो नवाज शरीफ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज की सरकार को आतंकी बचाएंगे, लेकिन सब बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों को अब कौन बचाएगा।